बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है, और इस पहाड़ी को ना काट के इसको बनाया गया है, बढ़िया से बनाया गया है, एक बहुत ही बड़ा, एक बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा महल टाइप का बनाया है। तो ये इसका हिस्टोरी। हेलो गाइस, गाइस अभी मैं चेन्नई से रामेश्वरम की तरफ जा रहा था, और अभी बज रहे हैं शाम को 2 बज रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मुझे ना ये दिखाई दिया यहाँ पर सामने, तो नज़ारा दिखाई दिया मुझे यहाँ पर, तो यहाँ चलते हैं देखते हैं क्या चीज़ है ये। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, इस जगह का नाम है थिरुमयम, जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या चीज़ है और आपको दिखाते हैं बढ़िया सा नज़ारा। लेट्स गो। तो गाइस इतना दूर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ आसपास मिलता है ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रैवलिंग करने का तो यही तो मतलब हुआ है ना गाइस। काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर, देखो छोटा सा व्हील है और यहाँ पे सुंदर सा मंदिर बनाया हुआ है। वाह जय भगवान, वाह सो ब्यूटीफुल, सो नाइस प्लेस। देख सकते हैं गाइस यार, तमिलनाडु में इतने बड़े बड़े पत्थर, ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर हैं। शायद ये बहुत पुराना एंशिएंट टाइम का होगा, 1000 साल पुराना, जो पहले राजा लोग थे ना, तो उस समय का ये बनाया हुआ चीज ऐसा लग रहा है मुझे। चलो चलते हैं नज़दीक। तो गाइस फाइनली अंदर आ गया, और वहाँ पर साइकिल रखा था ना बाहर, वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम था, वहाँ के लोग बोल रहे थे बंदर, बहुत सारा बंदर है वहाँ पर, बंदर सारा बैग खुद निकाल के सारा सामान फेंक देते। तो भैया ने, जो सिक्योरिटी गार्ड ने, साइकिल अंदर रख दिया और मेरे से कोई टिकट भी नहीं लिया, जबकि टिकट 25 रुपये है इंडियन का, कोई टिकट नहीं लिया। तो अंदर आया हूँ देखने के लिए, वहाँ मंकी कैसे सो रहे हैं गाइस। तो गाइस इस ये है थिरुमयम रॉक फोर्ट, इसका हिस्टोरी बारे में तो मुझे पता नहीं गाइस, आप लोग देख लेना गूगल में, उसमें शायद मिल सकता है, लेकिन मैंने ढूंढा था उसे मिला नहीं। भाई कितना बड़ा ये, मतलब पहाड़ है गाइस, ये पत्थर का ना पहाड़ है, काफ़ी बड़ा पहाड़ है पत्थरों का, और इसी पत्थर को ना मतलब इसको बनाया गया है। ये अभी का नहीं, कई 1000 साल पुराना, जब राजा एंशिएंट टाइम में जो राजा लोग होते थे ना, तो उन्होंने इसको बनाया गया होगा, काट काट के इसमें बनाया गया है, गुफा टाइप का, नीचे गुफा भी है यहाँ पर रहने के लिए। ऊपर खड़ा होकर देखता था होगा बाहर, अपना दुश्मन को देखते थे होंगे खड़ा होकर। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ा एरिया है, और आप लोगों को बता दूं गाइस, अभी मैं हूँ थिरुमयम तमिलनाडु, और ये जगह ना बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट जगह है, बहुत ज़्यादा गर्मी जगह है, यहाँ पर साउथ इंडिया का सबसे हॉटेस्ट गर्मी जगह है, 35 डिग्री सेल्सियस अभी चल रहा है यहाँ पर, बहुत तगड़ी गर्मी है, क्योंकि पेड़ पौधा बड़े बड़े नहीं है, पत्थर ही पत्थर यहाँ को माउंटेन मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। वाह लुक एट दैट प्लेस गाइस। गाइस आ गया भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ अकेला। वाह वाह
Look at the guys, this place. अभी मैं हूँ थ्री मैयम रॉक फोर्ट में और काफ़ी खूबसूरत जगह है गाइस, क्योंकि मैं रामेश्वरम की तरफ जा रहा था तमिलनाडु से चेन्नई से, तो ये जगह दिखा तो मैं यहाँ पर आया आपको दिखाने के लिए। सो ब्यूटीफुल जगह गाइस, बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ है और इस पहाड़ी को ना काट के इसको बनाया गया है, बढ़िया से बनाया गया है, एक बहुत ही बड़ा, एक बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा महल टाइप का बनाया है। तो इसका हिस्ट्री तो मुझे पता नहीं गाइस, हिस्ट्री मुझे पता है। तो ये जगह देख के लगता है यार ये बहुत हज़ारों साल पहले जब राजा लोग होते थे ना यहाँ पर एंशियंट टाइम में, तो उस टाइम ये राजा का एक महल हुआ करता था, एक जगह हुआ करता था जो यहाँ पर, ये सबसे ऊपर जगह गाइस देखो, ये सबसे ऊपर जगह है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, सबसे ऊपर ये टॉप है, यहाँ से आपको ना पूरे बाहर का पूरी नज़ारा आप देख सकते हो गाइस, पूरी नज़ारा आप देख सकते हो। तो हो सकता है इसी जगह पर सिपाही खड़ा होता होगा, यहाँ से अपना दुश्मन को देखता होगा भाव मतलब उधर को, तो ऐसा कुछ होगा। नीचे भी बहुत सारे गुफा बना हुआ है रहने के लिए जगह। वाह गाइस, अमेजिन, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। यहाँ पर देखो सबसे ऊपर ये रखा हुआ है, शायद ये तोप है पुराना ज़माना का, यहाँ से फायरिंग करते थे होंगे शायद, ये फायरिंग है, फायरिंग होगा या हो सकता है दूरफिन होगा, पता नहीं क्या आएगा, आप लोग बताओ कमेंट में क्या चीज़ है। वाह गाइस देखो पत्थर देखो यार, बाप इतने भयंकर पत्थर, वाह गाइस देखो यार इस पत्थर में यहाँ पर वाह, यहाँ तो ये भगवान का शिवलिंग है गाइस, भगवान शिव का शिवलिंग गाइस देखो यहाँ पर, वाह भगवान शिव का शिवलिंग है, जय शिव शंकर जय बोले बाबा, जय शिव शंकर। देख लिया पत्थर का फोर्ट, अच्छा है, और ये एक मॉन्यूमेंट है, एक एंशियंट मॉन्यूमेंट, बहुत पुराना ज़माना का एक मॉन्यूमेंट है, बहुत पुराना राजा ने इसको बनवाया था 1600 समथिंग ईयर्स में, 1648 और 58 समथिंग ईयर्स में ये बनाया था। और यहाँ पर ना कुछ लोग मिले, स्टूडेंट वगैरह, बहुत सारे लड़के लोग यहाँ पर मिला, भाई लोग, सो अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्होंने थोड़ा सा मुझे भी हेल्प किया, सो थैंक यू टू ऑल तमिलनाडु पीपल। ओके गाइस, सब सीधा चलते हैं रामेश्वरम की तरफ, और यहाँ से रामेश्वरम ज़्यादा दूर नहीं है, ओनली 150 किलोमीटर।